हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड का पेपर, जो 2019-20 में आया था, इसको सॉल्व कर रहे हैं आज। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसका आज हम करेंगे सेक्शन ए का पूरा फुल वीडियो, पूरा सेक्शन ए के आंसर्स इसी वीडियो में कर लेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो था ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड राइट यूजेस ऑफ डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखना है और यूजेस लिखने हैं डाइफेनहाइड्रामीन के। तो डाइफेनहाइड्रामीन को आप जब भी याद करेंगे या जब भी इसके बारे में लिखेंगे, तो देखिए मैं इसका तरीका बता देती हूँ आपको, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। देखिए स्ट्रक्चर किसका बनाना है हमें, डाई, डाई का मतलब क्या हुआ दो, फेन, फेन का मतलब क्या हुआ फिनाइल, या फिनाइल का ही दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम, इसको ही बोल सकते हैं बेंजाइल। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद में यहां पर लिख रहा है अमीन। ठीक है, अब आपको इतनी चीज तो समझ आ गई कि आपको इतनी चीजें बनानी है, दो तो बनानी है फिनाइल या बेंजाइल रिंग, और एक उसमें अटैच करवाना है अमीन ग्रुप। अब ये हाइड्रा और बचा है। ठीक है, अब देखिए आपको इसको याद कैसे करना है, कैसे बनाएंगे। दो फिनाइल रिंग बनानी है सबसे पहले, तो एक ये हो गई फिनाइल रिंग और एक ये हो गई फिनाइल रिंग। ठीक, फिनाइल या बेंजाइल बात देखिए होती है। इसके बाद में अमीन है, तो देखिए अमीन ग्रुप ये रहा, इतना स्ट्रक्चर तो आपको पता चल ही गया है नाम से ही। इसके बाद में आपको बस बीच में ये और ऐड कराना है। ठीक, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा इसको याद। नेक्स्ट देखेंगे इसके यूजेस क्या होते हैं। तो ये जो डाइफेनहाइड्रामीन होता है, ये बेसिकली करता क्या है, डाइफेनहाइड्रामीन जो होता है ये H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है और हिस्टामिन के जो भी काम होते हैं उनको कर देता है बंद। जैसे होता क्या है, जैसे सपोज करो ये एक हिस्टामिन रिसेप्टर है, ये हिस्टामिन रिसेप्टर है जो किसी भी सेल पे अटैच है, H1 रिसेप्टर है। यहाँ पे जब भी हिस्टामिन आता है और हिस्टामिन आके जब भी इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो ये सेल के अंदर हो जाती है एलर्जी। इतना याद रखिए बस। ठीक है, एलर्जी हो जाती है। अब हमें क्या करना है, हिस्टामिन इससे बाइंड ना हो पाए, हमें ये करना है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, ये जो डाइफेनहाइड्रामीन है, जैसे ही ये डाइफेनहाइड्रामीन यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है, तो हिस्टामिन जो है वो बाइंड नहीं हो पाएगा, इसकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। और जब हिस्टामिन की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, तो अल्टीमेटली क्या नहीं हो पाएगा, एलर्जी नहीं हो पाएगी। तो यही ही होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे जो यूजेस, जो डाइफेनहाइड्रामीन होता है ये क्या, किस लिए यूज करते हैं हम इसको, ट्रीट करने के लिए स्नीजिंग, रनी नोज, वॉटरी आईज, हाइव, स्किन रैश, इचिंग और अदर कोल्ड और एलर्जी सिम्टम, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, बेसिकली एलर्जी की वजह से हो रही है। भी एलर्जी हो जाती है, और वो एलर्जी किसकी वजह से हो रही थी, हिस्टामिन की वजह से। हमने डाइफेनहाइड्रामीन को हिस्टामिन रिसेप्टर पे बाइंड करवा के हिस्टामिन के सारे एक्शन को कर दिया है बंद। ठीक, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और यूजेस। अब सीधा सीधा यूजेस लिख दीजिएगा जो है, आपको इतना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में घुसना है नहीं, पर मैं बता रही थी ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से आइडिया हो जाए। इसके बाद में करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीथोट्रेक्सेट। हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है मीथोट्रेक्सेट का। मीथोट्रेक्सेट जो है ये होता है एक एंटी कैंसर ड्रग। अब जब आप एंटी कैंसर ड्रग पढ़ रहे हो, तो पहले पता होना चाहिए कैंसर क्या होता है। कैंसर बेसिकली होता क्या है, ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA। ठीक, अब ये जो एक सेल है इसी से ही दो सेल बनती हैं, ये एक सेल बन गई और ये एक सेल बन गई। इन न्यूक्लियस के अंदर भी DNA होगा ही ऑब्वियसली। तो देखिए आपको क्या करना है, इससे फिर और चार सेल बन जाएंगी, उनसे और सेल बन जाएंगी, ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी को ही हम बोलते हैं कैंसर, है ना, जब ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है सेल का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये DNA है, सबसे पहले तो DNA ही डिवाइड करेगा, एक DNA के दो DNA बनेंगे, फिर इस एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बनेंगे, और तब जाके ये दोनों न्यूक्लियस पहुंचेंगे इन दो सेल के अंदर। ठीक, ऐसे ही तो डिवाइड करेगा। तो अगर हम इस DNA का बनना ही रोक दें, तो ये पूरा प्रोसेस भी रुक जाएगा और सारे के सारे सेल भी नहीं बन पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हम कैंसर को ट्रीट करना चाह रहे हैं, कैंसर को ये चाहते हैं कि सेल दो से चार, चार से छः, छः से आठ ना बने, तो हमें क्या करना होगा, इस DNA के बनने को रोकना होगा। तो हम यहाँ पर यही करेंगे। अब DNA बनता कैसे है, पहले DNA जो है वो बनता कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले ये पढ़ते हैं, फिर उसके बनने को रोकेंगे। तो देखिए फॉलिक एसिड जो होता है, फॉलिक एसिड से बनता है DHFA, यानी डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड, ये वाले एंजाइम की प्रेजेंस में। DHFA से फिर बन जाता है THFA,
ये वाले एंजाइम की प्रेजेंस में, यानी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में। अब ये जो THFA है इससे बन जाता है प्यूरीन का सिंथेसिस। प्यूरीन और पाइरिमिडीन आपने सुने होंगे, दो बेस होते हैं DNA के अंदर, ठीक। अगर ये प्यूरीन और पाइरिमिडीन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, DNA बनाते हैं, ये दोनों मिलके, ठीक, दोनों चाहिए। तो हमें क्या करना है, अगर हम इसका भी सिंथेसिस रोक दें, अगर हम प्यूरीन का भी सिंथेसिस रोक देते हैं तो DNA नहीं बन पाएगा ना। तो हमने क्या करना है, हमने सीधा सीधा ये जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है, ये वाला जो एंजाइम है, इसको करवा दो इनहिबिट। जब ये एंजाइम हो जाएगा इनहिबिट, ठीक है, ये इनहिबिट का साइन है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे इनहिबिट भी लिख सकते हैं सीधा। ये जो मीथोट्रेक्सेट है ये इसी एंजाइम को ही कर देता है इनहिबिट। और जब ये वाला एंजाइम इनहिबिट हो गया तो देखिए ये यहाँ के जितने भी प्रोसेस हैं, ये पूरा प्रोसेस कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो THFA नहीं बनेगा, THFA नहीं बना तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बना तो DNA भी नहीं बनेगा, और अल्टीमेटली जो सेल है वो डिवाइड भी नहीं कर पाएगी, ठीक। तो ये होता है मीथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वीरप्पामिल। वीरप्पामिल की स्ट्रक्चर बनानी है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने हैं। तो देखिए वीरप्पामिल जो है उसका जो स्ट्रक्चर भी है वो भी इतना ज़्यादा टफ है नहीं, आपको देखो इतना स्ट्रक्चर तो सेम ही बनाना है। अगर आप ऐसे भी नहीं बनाना चाहते हैं इसको तो सीधा सीधा ऐसे भी बना सकते हैं इसको, OCH3, और यहाँ पर भी लिख दीजिए OCH3, ऐसे भी बना सकते हैं सीधा। अगर ये ऐसे ऐसे करके आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इतना भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक। तो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बनाना है इधर, और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पे, ये दोनों साइड में ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं। उसके बाद में आपको ये चार बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, इसके बाद में फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में आपको करनी है सब्स्टिट्यूशंस, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या है, CH, CH3, CH3, और एक CN लगा देना है बस, और यहाँ पर N लगा के CH3 लगा देना है बस। तो ऐसे करके याद रखिएगा, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वीरप्पामिल। वीरप्पामिल जो होता है ये बेसिकली हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं इसको, जो BP हाई होता है उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो वीरप्पामिल होता है ये क्या करता है, L टाइप के कैल्शियम चैनल से हो जाता है बाइंड। जैसे ये L टाइप कैल्शियम चैनल है, इससे कैल्शियम चैनल से क्या होता है, कैल्शियम आयन आते हैं अंदर, कहाँ पर, हार्ट मसल्स के, ठीक है, हार्ट मसल्स के अंदर आएंगे। और जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आते हैं तो ये क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो BP बढ़ जाएगा। हमें क्या करना है, इन कैल्शियम आयन के अंदर आने को ही रोकना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे वीरप्पामिल जो है वो अटैच हो जाता है यहाँ पर इस रिसेप्टर पर, L टाइप कैल्शियम चैनल जो है यहाँ पर ये हो जाता है बाइंड। बाइंड होने के बाद जैसे ये बाइंड होता है तो ये जो कैल्शियम की एंट्री है अंदर की तरफ ये हो जाती है बंद। जब कैल्शियम अंदर नहीं आएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, और जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा कम। ये ही होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे बढ़ लेते हैं, ये कैल्शियम चैनल जो होता है उस पर हो जाता है बाइंड, जिससे डिक्रीज कर देता है फ्रीक्वेंसी कैल्शियम चैनल के ओपनिंग की। इसके बाद में क्या होता है, कैल्शियम आयन जो है अंदर सेल के वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैल्शियम लेवल है वो हो जाएगा डिक्रीज अंदर, ठीक। अब डिक्रीज हो गए कैल्शियम, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस जो है, यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कॉन्ट्रैक्शन एक ही चीज़ है, तो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या कॉन्ट्रैक्शन है वो हो जाता है डिक्रीज। ये डिक्रीज का साइन है ऐसे करके, अगर आपको ये नहीं बनाना है तो आप सीधा सीधा यहाँ पर डिक्रीज लिख सकते हैं। डिक्रीज हो जाती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी कार्डियक मसल्स की, जिसकी वजह से हो जाता है वैसोडाइलेशन, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं, हार्ट रेट जो है वो भी कम हो जाता है, और इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, BP हो जाता है कम। ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ लूप डायोरेटिक्स। लूप डायोरेटिक्स जो है ये डायोरेटिक्स कैटेगरी का ही एक सब क्लास है। तो सबसे पहले लूप डायोरेटिक्स के नाम लिख लेते हैं। ये दो ड्रग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रख लीजिएगा बस, फ्यूरोसेमाइड एंड ब्यूमेटेनाइड। ये दोनों इनके स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर ये वाला थोड़ा टफ है और ये वाला थोड़ा इजी है। तो आप चाहें तो ब्यूमेटेनाइड का स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, पर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा फ्यूरोसेमाइड है, जो ड्रग है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्यूरोसेमाइड है। हो सकता है नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा उसमें ब्यूमेटेनाइड पूछा ही ना जाए, या ऐसे पूछा ही ना जाए लूप डायोरेटिक का, वो सीधा सीधा फ्यूरोसेमाइड का दे दें। तो ईजी ये है,
और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा आपको क्या करना है। वैसे ये वाला भी याद कर ही लीजिएगा, इतना भी ज्यादा टफ नहीं है, हो सकता है फ्यूरोसेमाइड के नाम से ही आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे यूजेस क्या होते हैं लूप डायुरेटिक्स के। तो देखिए लूप डायुरेटिक्स जो होते हैं ये बेसिकली यूरिन का फॉर्मेशन और उसका एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देते हैं, और अगर वो यूरिन का एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी से बाहर यूरिन ज्यादा निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा कम, और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा कम। तो ये बेसिकली जो हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं या जो हाइपरटेंशन होता है उन दोनों केसेस में ही यूज करे जाते हैं लूप डायुरेटिक्स। तो यहां पर देखेंगे अभी यूजेस, लूप डायुरेटिक्स जो होते हैं वो हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में यूज करे जाते हैं, हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज करे जाते हैं, और ये जब लिवर डिसीज और किडनी डिसीज हो जाते हैं तो वहां पर भी इनको यूज करा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ लोवास्टेटिन। सबसे पहले तो जहां भी आपको स्टेटिन दिख जाइए, स्टेटिन वहां पर आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ये एंटी हाइपर लिपिडमिक ड्रग है, एंटी हाइपर लिपिडमिक ड्रग है ये, सबसे पहले तो समझ लीजिए ये, ठीक। चलिए इसके बाद में देखते हैं कि जो एंटी हाइपर लिपिडमिक है मतलब कि लिपिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्लड के अंदर ये उसको कम करेगा, है ना। तो देखो लिपिड जो होता है, लिपिड का मतलब क्या है, बेसिकली लिपिड का मतलब है LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, यही तो है मतलब लिपिड का, ठीक है। तो हमें इनके लेवल को करवाना है कम ब्लड के अंदर, तो हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ये बन कैसे रही हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब हमें ये पता होगा कि ये बन कैसे रही हैं तभी तो हम इनके बनने को कम कर पाएंगे। तो देखिए जो कोलेस्ट्रॉल है ये कैसे बनता है, दो एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये दो एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल जब भी दोनों मिलते हैं साथ में तो बन जाता है HMG कोएंजाइम। ये जो HMG कोएंजाइम है ये इससे बन जाता है मेवालोनेट, और किस एंजाइम की प्रेजेंस में, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज की प्रेजेंस में, ठीक है, ये रिडक्टेज याद रखिएगा। अब ये जो मेवालोनेट है यहाँ से बनता है कोलेस्टेरॉल, इसमें बीच में और भी चीज़ें आती हैं जैसे आइसोपेंटेनिल पाइरोफॉस्फेट बनता है, फिर जिरेनिल पाइरोफॉस्फेट बनता है, फिर फरनेसिल पाइरोफॉस्फेट बनता है ना, उसके बाद में स्क्वेलिन बनता है, पर वो चीज़ें ना आपको यहाँ पे याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप बस इतना भी याद कर लेंगे कि मेवालोनेट से बन जाता है कोलेस्टेरॉल, इतने से ही काम चल जाएगा, उतना याद करने की जरूरत है नहीं, है ना। तो इतना याद करिए बस कि जो मेवालोनेट है इससे ही बन जाता है कोलेस्टेरॉल, तो आपको क्या करना है, ये कोलेस्टेरॉल के बनने को ही तो रोकना है। तो आप इसको कैसे रोक सकते हैं, जो रिडक्टेज एंजाइम है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम है इसको इनहिबिट करा दो, और जब आप इस एंजाइम को इनहिबिट करा देंगे, इस एंजाइम को इनहिबिट करा देंगे तो देखिए ये आगे का जो भी प्रोसेस है ये प्रोसेस तो हो ही नहीं पाएगा, और जब ये प्रोसेस नहीं होगा कोलेस्टेरॉल बनेगा ही नहीं। अब ये जो एंजाइम है ये इनहिबिट किससे होता है, ये होता है लोवास्टेटिन से इनहिबिट, ये है इनहिबिट का साइन, अब चाहो तो यहाँ पे ऐसे इनहिबिट लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये हो जाता है इनहिबिट एंजाइम, जब ये इनहिबिट हो जाता है तो आगे का प्रोसेस होता ही नहीं है। अब लोवास्टेटिन के यूजेस क्या हो जाएंगे, तो देखो सबसे पहला तो यही हो गया, एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग है ये, ठीक है। इसके बाद में हाइपरलिपिडमिया यानी लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन या कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन जब भी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमें हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, है ना। तो देखिए ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कि चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, या फिर ये जो फैट क्लॉगिंग की वजह से जो हो जाते हैं, इन प्रॉब्लम्स को कम कर देता है जो लोवास्टेटिन होता है वो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन पे लिखना है शॉर्ट नोट। डिजिटॉक्सिन जो होता है ये कार्डियोग्लाइकोसाइड होता है, आपने ये फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ा होगा, कार्डियोग्लाइकोसाइड होता है जो हमें डिजिटेलिस प्लांट से मिलता है। ये क्या क्या करता है, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर प्रॉब्लम में होता है ये यूज। डिगॉक्सिन जो है ये कैसे यूज होता है कंजेस्टेड हार्ट फेलियर में, तो ये बाइंड हो जाता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप से, और इससे बाइंड होने के बाद में इसको कर देता है इनहिबिट, ठीक। इसको इसके इनहिबिशन से क्या होता है, जो कैल्शियम का लेवल होता है वो हो जाता है इंक्रीज कार्डियक मसल्स के अंदर, और जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा हार्ट मसल्स के अंदर ज्यादा फोर्सफुली, और जितना ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रेक्शन होंगे उतना ही ज्यादा ब्लड निकलेगा बाहर, और जितना ज्यादा ब्लड निकलेगा हार्ट से बाहर उतना ही ज्यादा वो ऑक्सीजन लेके जाएगा,
तो बेसिकली इसका जो वो होता है मैकेनिज्म होता है वो होता है ये। तो डिजिटॉक्सिन जो है बस तीन चार लाइन ही लिख देना, उतना ज्यादा और जरूरी है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जी। क्वेश्चन ये है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है और स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर तो ये है, आप इसको याद कर लीजिएगा, वैसे तो टफ ही है पर याद कर लीजिएगा। और इसका जो वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो देखेंगे। तो देखिए सिल्डेनाफिल जो होता है ये भी अल्टीमेटली क्या करता है, ये करता है बीपी को डिक्रीज। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्टली नहीं करता है, ये करता है इनडायरेक्टली। कैसे करता है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड कर देता है इस जिरेनिल साइक्लेज एंजाइम को स्टीमुलेट। और जब ये एंजाइम स्टीमुलेट होगा तो ये क्या कर देगा, ये जीटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक जीएमपी में, यानी ग्वानिल ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक ग्वानिल मोनोफॉस्फेट में। अब ये जो साइक्लिक जो ग्वानिल मोनोफॉस्फेट है ये क्या करता है, यही ही करता है बीपी को कम। कैसे करता है, ये कैल्शियम का लेवल कर देता है कम, जिसकी वजह से जो आर्टरीज होती हैं उनका रिलैक्सेशन हो जाता है, उनका डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है बीपी। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है नॉर्मली, ये नॉर्मली हमारी बॉडी में इतना प्रोसेस हो रहा है हो रहा है हो रहा है। लेकिन इसके बाद में और क्या होता है, हमारी बॉडी में एक एंजाइम और प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट कर देता है 5-GMP के अंदर। और ये जो 5-GMP है ये होता है इनएक्टिव, ये कुछ भी नहीं करता, ये बेकार होता है ना, ये हो जाता है इनएक्टिव फ्रेगमेंट में कन्वर्ट। अब ये इनएक्टिव है ये तो कुछ कर पाएगा है नहीं, तो जितना ये जो सीजीएमपी है जितना ज्यादा कम होगा इसका लेवल, जितना ज्यादा ये इसमें कन्वर्ट हो गया इसका मतलब है उतना ही कम बीपी को डिक्रीज कर पाएगा और बीपी फिर बढ़ता रहेगा, है ना, क्योंकि साइक्लिक जीएमपी तो होगा नहीं बीपी को कम करने के लिए। तो हमें क्या करना है, इस ये जो साइक्लिक जीएमपी है, ये जो साइक्लिक जीएमपी है हमें इसका अमाउंट बढ़वाना है, क्योंकि जितना ज्यादा होगा साइक्लिक जीएमपी उतना ही ज्यादा ये डिक्रीज कर पाएगा बीपी को, है ना। हमें क्या करना है, साइक्लिक जीएमपी का लेवल करवाना है इंक्रीज। अब इसके लेवल को इंक्रीज कैसे करवा सकते हैं, कि इसका जो डिग्रेडेशन है यानी ये जो खराब हो रहा है इसके खराब होने को रोक दो। खराब किसकी वजह से हो रहा है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम की वजह से, तो इस एंजाइम को ही कर दो इनहिबिट, है ना। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा, साइक्लिक जीएमपी का डिग्रेडेशन कर ही नहीं पाएगा। तो ये जो सिल्डेनाफिल होता है ये क्या करता है, सिल्डेनाफिल यही ही करता है, ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ जाता है। और जब जितना ज्यादा साइक्लिक जीएमपी होगा वो उतना ही ज्यादा डिक्रीज कर पाएगा बीपी को। चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ एमाइड लोकल एनास्थेटिक ओवर एस्टर लोकल एनास्थेटिक। एमाइड लोकल एनास्थेटिक क्यों अच्छे होते हैं एस्टर लोकल एनास्थेटिक से ज्यादा, एमाइड क्यों अच्छे होते हैं ये बताना है हमें। तो देखिए जो एमाइड लोकल एनास्थेटिक होते हैं ये ज्यादा इंटेंस और ज्यादा लॉन्गर लास्टिंग, मतलब ज्यादा देर तक एनास्थेशिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा देर तक किसी भी पेशेंट को बेहोश रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइज नहीं होते, इनका डिग्रेडेशन नहीं होता एस्ट्रेज एंजाइम से। देखिए एस्ट्रेज एंजाइम है तो ये एस्टर का ही तो कर पाएगा ना डिग्रेडेशन, अमाइड का तो कर नहीं पाएगा क्योंकि एस्ट्रेज है, अमाइडेज होता तो अमाइड का कर पाता, पर ये एस्ट्रेज एंजाइम है तो एस्टर जो लोकल एनास्थेटिक है उनका डिग्रेडेशन कर देता है, अमाइड का नहीं कर पाता। और जब अमाइड का डिग्रेडेशन नहीं कर पाता है तो अमाइड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो ज्यादा देर तक काम करेंगे। ठीक, तो एक तो हो गया ये एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है कि जो एमाइड लोकल एनास्थेटिक होते हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत कम करते हैं या नहीं करते हैं, जबकि जो एस्टर लोकल एनास्थेटिक हैं ये बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करते हैं। ठीक, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थायाजोलिडीन डायोन। थायाजोलिडीन डायोन पे हमें लिखना है शॉर्ट नोट। ये वाला जो ड्रग है ये एंटी डायबिटिक ड्रग है, ठीक है, एंटी डायबिटिक ड्रग है और टाइप 2 डायबिटीज में होता है ये यूज। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। थायाजोलिडीन डायोन जो होते हैं इनको हम ग्लिटाजोन्स भी बोलते हैं और ये यूज होते हैं टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। ये करते क्या है, ग्लिटाजोन्स तो ये जाते हैं और ये बाइंड हो जाते हैं PPAR गामा रिसेप्टर पर। अब ये जो रिसेप्टर है ये करता क्या है, देखिए ये जो रिसेप्टर है थायाजोलिडीन
थायाजोलिडीन डायोन या ग्लिटाजोन्स जो हैं ये इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाते हैं और इसको कर देते हैं स्टिमुलेट। ये जो रिसेप्टर है ये स्टिमुलेशन पे करता क्या है, तो ये प्रमोट कर देता है यानी कि बढ़ा देता है एडिपोजेनेसिस और फैटी एसिड का अपटेक। यानी एडिपोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वहां पे एडिपोजेनेसिस स्टार्ट कर देता है यानी कि फैटी एसिड का प्रोडक्शन कर देता है स्टार्ट, है ना। अब ये जैसे कि एडिपोसाइट्स हैं, अगर ये यहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तो ये क्या करता है, लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर जितना भी फैटी एसिड होता है हर जगह से उठा उठा के ना यहां पे डाल देता है, है ना, एडिपोसाइट्स के अंदर डाल देता है। तो लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर, लिवर और मसल इन दोनों के अंदर क्या होता है, इन दोनों के अंदर से भी फैटी एसिड कहाँ चला गया, एडिपोसाइट के अंदर चला गया। तो इन दोनों के अंदर हो जाती है कमी फैटी एसिड की। जब इन दोनों के अंदर कमी हो जाती है फैटी एसिड की, फैटी एसिड बेसिकली ये क्यों यूज करते हैं, एनर्जी के लिए यूज करते हैं। जब लिवर और मसल के पास रहता ही नहीं है फैटी एसिड तो लिवर और मसल क्या करते हैं, ये जो ब्लड में ग्लूकोज पड़ा रहता है ना ये उसको उसका अपटेक स्टार्ट कर देते हैं, उसको अपने अंदर लेना स्टार्ट कर देते हैं और उसके ऑक्सीडेशन से, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसके ऑक्सीडेशन से ये दोनों एनर्जी लेते हैं, है ना। तो ब्लड में से ये जितना ग्लूकोज अपने अंदर ले पाएंगे और उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे उतना ही कम होता जाएगा ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल। तो ये काम करते हैं। अभी आइए यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए ये एडिपोजेनेसिस और फैटी एसिड का अपटेक स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए जो सर्कुलेटिंग फैटी एसिड कॉन्सेंट्रेशन होता है यानी जो ब्लड में है वो और प्लस जो लिवर और मसल्स में है वो हो जाता है कम फैटी एसिड, ठीक है, क्योंकि वो एडिपोसाइट्स में चला गया इसीलिए ब्लड में भी कम हो गया, मसल्स में भी कम हो गया और लिवर में भी कम हो गया। अब जब इन तीनों जगह पे कम हो गया है तो लिवर और मसल को तो एनर्जी चाहिए ना, ये तो पूरा 24 घंटे काम करते हैं तो इनको एनर्जी चाहिए। जब इनको एनर्जी चाहिए तो ये क्या कर देते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देते हैं ग्लूकोज का, यानी जितना भी लिवर में या मसल्स में और ब्लड में जितना भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज है ये सबको लाना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे एनर्जी के लिए, ठीक है। और एनर्जी के लिए जब इनको लाना स्टार्ट कर देते हैं तो ब्लड के अंदर होने लगेगा कम ग्लूकोज, और जब ब्लड के अंदर कम होने लगेगा वही तो हमें चाहिए। और इसी की वजह से ही, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए ना, तो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो भी हो जाती है इंक्रीज, ठीक। तो ये हो गया थायाजोलिडीन डायोन्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ इंसुलिन, की जो इंसुलिन होता है वो किस किस की मेटाबॉलिज्म कर देता है। तो देखिए इंसुलिन जो होता है वो तीनों प्राइमरी मेटाबोलाइट की मेटाबॉलिज्म कर देता है, जैसे कि लिपिड की भी कर देता है, प्रोटीन की भी कर देता है और फैट की भी कर देता है ना, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, सॉरी ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये है। तो जो इंसुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन तीनों का मेटाबॉलिज्म कर देता है और ये सप्रेस करता है हिपेटिक ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड का प्रोडक्शन, जो हमने अभी अभी पीछे पढ़ा था, इनहिबिट कर देता है एडिपोज टिश्यू की लाइपोलाइसिस और होल बॉडी और मसल्स की प्रोटियोलाइसिस को, और स्टिमुलेट कर देता है ग्लूकोज का अपटेक मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हो जाता है कम। तो ये था आज का वीडियो। अब नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे जो सेक्शन बी है, उसके एक एक क्वेश्चन के वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। एंड लास्टली थैंक यू।